सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह हम आपके सामने ऐसे इंस्पायरिंग व्यक्ति का चरित्र सामने लाते हैं जो समाज के लिए हमेशा एक आइकॉन रहते हैं। तो स्वागत करते हैं आज के अपने मेहमान श्री शेख मुजीब भाई वारसी सर का। सबको नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। सर का शॉर्ट में परिचय, यानी सर नागपुर जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। पिछले 35 ईयर से राजनीति में एक उत्स्फूर्त कार्यकर्ता करके काम करते हैं। सर नागपुर जिला युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। फिलहाल सर नागपुर जिला नंदनवन शांतता समिति के सदस्य हैं। सर नंदनवन मित्र परिवार सामाजिक संगठन के सचिव भी हैं। इसके साथ साथ सर विशेष कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं। सर की एक खासियत बात, यानी सर सर्वधर्म समभाव के भावना से सारे समाज के लोगों को तत्परता से मदद करते हैं, जिनके कारण समाज के सारे वर्ग के लोग सर के साथ जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। हमारे प्रेक्षक आपके बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। और मेरे वालिद का नाम शेख मोहम्मद, मम्मी का नाम जोरावी शेख, और इनकी दोनों की डेथ हो चुकी है। और बड़े ही संघर्षों के साथ इन लोगों ने हमें बचपन से बड़े तक पाल पोस के बड़ा किया है, और एक सामाजिक दृष्टि से हमारे को एक बंधन में बांधे। उन्होंने हर तरह से हमें जोड़ के रखे। और हमारे परिवार में 6 भाई थे, हम लोग 3 बहना थे जिसमें मैं तीसरे नंबर का था, और एक जॉइंट फैमिली जैसी हमारी बहुत बड़ी परिवार चलता रहा, जिसमें सभी का सहयोग, हमारे भाइयों का, परिवार का, हम सब मिल के छोटे से कुटुंब में जुड़े रहे, और जिससे एक हमारे को एक ताकत बनी रही, जिसके बाद हमारी ताकत एक परिवार जैसी बनी रही, और एक आज भी उसके साथ जुड़ गए होते हुए है। मुझे काफ़ी सहयोग मिल गया पढ़ाई में भी, एजुकेशन में भी, और सामाजिक से भी। मुझे बहुत ही उन्होंने अच्छी तालीम देने की पूरी कोशिश की, अच्छे संस्कार देने की कोशिश की गई। भाई परिवार का भी काफ़ी हमें अच्छा इस सहयोग रहा, और काफ़ी अच्छा रहे। आज भी हम एक छत के नीचे सब भाई परिवार के नीचे रहते हैं, और आज भी काफ़ी अच्छा। और मेरी नंदनवन में दुकान बिजनेस चलाया, तो मैंने 1985 में छोटी सी दुकान लगाया कपास की, जिससे मैं हम लोग वहाँ पे मजदूरी करके काम करे, वहाँ पे काम करते हुए बाद में एक कपड़े की दुकान लगाया जो इधर बगाजी होंडा करके लगाई, फिर विशाख चंद्र करके लगाए, और फिर उसी जगह पे मुझे नंदनवन के एक काफ़ी अच्छे लोग दोस्त बन गए, जैसे चंद्रकांत कस्तूरे, जिससे मुझे सामाजिक संगठन बनाए, सामाजिक संगठन मित्र परिवार संगठन बनाया गया। पूरा संगठन में काफ़ी लोग नंदनवन के हिंदू समाज, जिसमें मैं एक मुस्लिम समाज से था, लेकिन उन लोगों ने भी मुझे एक अपना प्यार देते हुए, सहयोग देते हुए, इतने बड़े संगठन के मुझे सचिव बनाया गया। और सचिव बनते हुए मैंने भी अपनी जवाबदारी बखूबी निभाते रहा, और अपने परिवार को भी साथ में लेके चलते रहा, और संगठन के मित्र परिवार भी काफ़ी हिंदू समाज सब समाज मिल के हमारे को सपोर्ट करते रहे, और उन लोगों ने भी हमें काफ़ी आज तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। हमारे प्रेक्षकों को बताइए कि आप राजनीति में कैसे राजनीति मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर ये एक मेरे भाग्य बोले, या मेरे को मेरे मित्र परिवार के कुछ चंद लोग थे, जैसे एक हमारे मांडवाड़ा रोड पे सिद्धेश्वर मंगल कार्यालय झाड़े करके है, एक उमरिया करके थे, उसका नाम भी याद नहीं पड़ा बरूबर, लेकिन बहुत साल बाद पहले की बात है, आपने छेड़ दिया हो तो थोड़ा अच्छी बात है। लेकिन उन लोगों का कहना था कि भई अपने सभी लोग करते, लेकिन अपने इसमें अपन लोग कम से कम एक, आप भी हमारे मुस्लिम समाज से है, अपन सभी लोग मिलजुल के हैं, अपने इसमें राजनीति में कोई नहीं है, तो आप इस राजनीति में आपको आना पड़ेगा, जिससे अपनी संगठन अपने लोग एक परिवार अपना एक अच्छा बना रहेगा। और उसमें मुझे काफ़ी उन्होंने बहुत जवाब डाले, इस वजह से मुझे उस राजकरण में जाना पड़ा, और राजकरण जाके मुझे युवा कांग्रेस का मैं उस समय उपाध्यक्ष बना,
और मुझे ये कहा फिर हमने मित्र परिवार ने कि भाई एक सामाजिक अपन लोग करते हैं, मदद करते हैं, ऐसा क्यों ना हो कि तुम्हारा जो क्षेत्र है नंदनवन आसनबाग जो है और तुम्हारा परिवार तुम्हारा घर जो कि आसनबाग 1980 से जब से बसा है, जब से हमारा परिवार भी आसनबाग एरिया में ही रहता है, हमारे भाई वगैरह भी आसनबाग में थे, हम लोग भी थोड़ा सा रहे जुड़े हुए और सब परिवार मिलके बना रहा, तो मैंने इस आसनबाग में जब कदम रखा और जब मैंने देखा कि आसनबाग में कैसी कैसी मुसीबतों से लोग गुजर रहे हैं, जिसमें जब मुझे ऐसा लगा कि अब तो ये सही में मुझे करना चाहिए, और जब मैंने लोगों को अपने मित्र पर समझाया कि यार सही हुई कि जगह जब मैं गया तो सही में यहाँ मदद की ज़रूरत है, आज गरीब लोगों को इस तरह से जो तकलीफें होती थी जो मैंने देखा वो मुझे बहुत देखने के बाद तकलीफ हुई, और उस कहने से ही मैं राजकारण से बिल्कुल उसमें डूब गया, और डूबने के बाद आज तक उसमें डूबा हूँ, और उनकी जो मोहब्बत और उनकी जो प्यार मुझे मिलती है उससे मुझे बहुत एक सुकून मिलता है। ये आसनबाग 1980 से जब वो बसा, जिसमें हमारे बड़े भाई थे शमसो भाई, हाजी शमसो भाई जो थे उनका काफ़ी सामाजिक क्षेत्र से जुड़े रहे और गरीबी में देखते हुए जो भी उनसे जो समस्या लेकर लोग आते थे और उनको समस्या को हल करना, उनके साथ में रह के बात करना, ऐसे हमारे भाई के साथ में मिलके हम सामाजिक काम करते रहे, और इसको करते हुए जब हमने देखे कि सही में यहाँ लोगों की समस्या बहुत ज़्यादा है, ये है तकलीफें बहुत ज़्यादा है, फिर हमने सोचे कि चलो भाई एक इसको एक आधार मिले, एक मजबूती मिले और एक समाज कार्य करने की एक ताकत अपने को अच्छी मजबूत मिले, तो मैंने कांग्रेस से उम्मीदवारी मांगी थी तो मुझे कांग्रेस से उम्मीदवारी मिली, मैंने उपचुनाव लड़ा, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी अच्छे हुई, लेकिन किसी कारण से मैं सेकंड पर रह गया, और उसके बाद भी मैंने काफ़ी मदद करते रहे, एक मौलाना आजाद महामंडल था जिसके ऊपर में हमने महिला बचत गठ की, और ऐसी मजदूर लोग काम करते थे सब्जी वाले भाजी वाले जो भी धंधे वाले थे उनको काफ़ी केसेस मैंने बैठ के सामाजिक करके बनाना, उनकी डॉक्यूमेंट बना के देना, उनके से करोड़ रुपए का लोन उनको धीरे धीरे किसी को 50,000-60,000 महिला बचत गठ को 10-10 ग्रुप बनाए हुए थी, और ऐसे महिला को लोन देने की काफ़ी मैंने उनकी किया, फिर उनके एरिया में सुबह उनके समस्या घर जाना, उनके घरों पर जाके बैठना, सुबह वार्ड में घूमना और घूम के सर घर घर जाके उनकी मालूमत करना, उनकी समस्या को देखना, और जब मैंने देखा कि सही में इनकी बहुत ज़रूरत की चीज़ें हैं तो मैं उसमें डूब गया, और डूब के पूरा वो काम मैंने अपने हाथ में उस समय से करते चले आ रहा हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी सहयोग हमारे जो उस समय के नेता सतीश बाबू थे जो माजी मंत्री है आज, उनके भी काफ़ी सहयोग रहा, उनका भी एरिया में वार्ड में काफ़ी उन्होंने काम किए, घर पे आना जाना सभी रहा, तो उनका भी एक सहयोग मिलते हुए एक परिवार जैसा हमने चलाए, और आसनबाग एरिया नंदनवन एरिया जिसमें फिर मेरे मित्र परिवार के लोग भी काफ़ी मुझसे जुड़ गए, जिसमें लुबिनी बोधवार के लोग हैं आज भी, और असम नंदनवन के लोग हैं जिसमें काफ़ी मुझे मार्गदर्शन देने वाले एक गुणवंत हरिदास गुणाने रहे, जिसमें भरत मुंडले करके है और एक रमेश सेलूकर भी है, ऐसे सुधाकर एक मिटकर करके भी थे, एक श्याम बड़वाई करके थे, ऐसे लोगों ने बहुत पुराने और भी जो लोग थे चंद्रकांत कस्तूरे करके जो एक सेवा दल से बहुत पुराने थे, जब मैं एक छोटा सा था तो भी उन वो मेरे को अपने सेवा दल कांग्रेस में ले जाते थे, मैं छोटा सा तो उनके साथ चला जाता था, तो बड़ा उसमें भी एक हौसला उनसे अफजाई मिलती रही और उनकी मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा हर जगह, और उसके बाद में मैं 12 में भी चुनाव लड़ा जिसमें मुझे कामयाबी नहीं मिली, लेकिन मुझे दिल से मोहब्बत अच्छी मिलती रही और मैं उसको लेके चलते रह रहा हूँ, और मैं काम में आज भी कोई कमी नहीं है, आज मैं शहर के महासचिव पद पे हूँ जिससे मुझे काम करने में आसानी हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री साहब भी आज मेरे साथ है, आज विकास ठाकरे है, हमारे पूर्व के नेता भी अभिजीत वंजारी है, और ऐसे सभी लोगों का भी सहयोग हमें मिलता है, 2017 में भी कांग्रेस की टिकट मिली थी मुझे हमारे इसमें, तो उसमें भी चुनाव लड़ा गया किसी कारण से, ठीक है, और काम की ताकत तो पूरी चल रही है, और मैं नागपुर शहर
सांतता समिति जो होती है सीपी साहब की, जो सांता समिति जो भी बस्ती में एरिया में नागपुर शहर में समस्या होती है उसकी भी पूरी देख रेख करते हुए मदद करता हूँ, और उन लोगों का मेरे को काफ़ी सहयोग मिलता है, थाने से भी काफ़ी सहयोग मिलता है, सांता समिति में भी हूँ, यहाँ पे कंटा मुक्ति में भी रहा हूँ, और यहाँ पे एक लोक पंचायत भर्ती थी थाने के अंदर में, जिसके थानेदार जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं और हम उसके सदस्य होते थे, तो वो सामाजिक क्षेत्र में जो लोग अपनी अपनी समस्या लेके आते थे, बेचारे किसी घर की परेशानी की, आजू बाजू की कब्जे की कोई परेशानी की, तो वो हम समस्या को छुड़ाना और उसके ऊपर में पढ़ाई करना और उसके ऊपर डिसीजन देना और फिर उनको डिसीजन देके समझा के ये करना, तो काफ़ी ऐसी लोगों की मदद की। उसके बाद भी 17 में एक चुनाव आया था, चुनाव लड़े, किसी कारण से कांग्रेस पार्टी में चुनाव रहा और काफ़ी अच्छा रहा। अब उसमें क्या हो गया, अभी लॉकडाउन आ गया है, अभी लॉकडाउन बोले तो कैसा है, एक महासंकट हो गया। इस लॉकडाउन के दौरान आपने काफी लोगों की मदद की है, बिना धर्म का भेदभाव करते हुए आने वाले हर लोगों की आपने तहे दिल से हेल्प की है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जब लॉकडाउन जो लगा, लॉकडाउन मार्च के 23 तारीख के पास लगा लगभग, मुझे जब पता चला कि लॉकडाउन लगा है और ये काफ़ी बढ़ा जाएगा, इसमें सरकार ने भी घोषणा की थी कि भाई हम इनके 3 महीने का राशन एक साथ देंगे, तो जब लोगों की जब परेशानी जैसे मुझे पता चली, जब लोग अपने परेशानी लेके आने लगे तो उनकी परेशानी हल करने के लिए हमने काफ़ी योजना बनाई। योजना उसमें ऐसी बनाई कि पहले लोग जब तकलीफों में आने लगे तो उनकी जो महीने राशन के जो पैसे उनको देना चालू किए, 3 महीने का राशन उनको जो मिल रहा था पैसे नहीं थे, वो तुम लोग भी अपना राशन अपनी कर लो। उसके बाद उनका हमने स्टेप बाय स्टेप पे उनका मदद करने की योजना बनाते चले गए, जिसमें हमारे भाइयों का भी सहयोग रहा है, घर में लड़कों का भी सहयोग रहा है, मिसेस का भी रहा, बहु बेटे भी हमारे जो थे वो भी कभी कभी ऐसा करते थे कि गौ चावल लाते थे तो पिसाते थे, पिसा के चुना करना, उनको भी पैकेट बनाना है करना, और गौ के पैकेट बनाना, घरों में से जो तेल अपने पास था, अनाज अपने पास, जो स्टाफ था अपने पास में घरों में से, वो भी निकालते थे, तो घर में भी एक खुशहाली जैसा एक मदद करने की एक भावना उनमें भी काफ़ी अच्छी रही, जिसमें हमारा एक हमारा घर असनबाग में जो है, जहाँ हमारा भतीजे भी है, वो घर भी जैसा यहाँ से थोड़ा अंतर पर था, तो वो घर से भी हजारों किलो का अनाज सभी को बांटा गया, घर भी हो गया, तो शेष नगर हो गया, नंदनन के तरफ भी बांटा गया, जिंगाड़ी चौक पर भी कुछ आए, कुछ सद्भावना नगर के, संजय नगर के, श्रीनगर के, ऐसे जा जाके भी जैसे लोग आते गए, और ये हमने कंटिन्यू 3 महीने अभी तक चलाते रहे, और इसको पिसा के ला के देना, अनाज पानी देना, किसी को राशन देना। जब हमारी ईद आई, ईद के समय भी बहुत बड़ी समस्या थी सिंहपुरमी की थी, तो हमने सबको कैसा करना करके सलाह विचार किए परिवार में, तो फिर परिवार ने विचार किया तो सबको हमने पैसे जमा किए अपने घर से, भाइयों ने, भतीजे ने, लड़कों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिए, और सभी को हम ऐसे बुला लेते थे, लेकिन हमने कहीं ऐसा उसको डिक्लेयर नहीं होने दिए, और हम ऐसे बंद करके दे सकते थे, क्योंकि हमें वो दिखावा कभी पसंद नहीं आया, और वो हमें नहीं पड़ा, मन को नहीं पड़ा, इसलिए हमने कभी नहीं किया। हमने कभी किसी के फोटो या ग्रुप में, बेचारी सुबह सुबह लेडीज आती थी, ऐसी परेशानी से अपनी मुसीबत लेकर आती थी, ऑटो नहीं, गाड़ी नहीं, रोती थी बेचारी कहीं सी, तो ऐसा दिल, बच्चे भी हमारे बहू बेटे जो थे वो अपने घर में से जो भी हुआ, मेरे पीछे भी उन लोगों ने जो भी आया, हमने हमारे घर से समस्या लेके उसकी समस्या हल किए, राशन पानी पीट बनाए उनके, राशन पानी किए। ईद का समय जब आया तो ईदों के समय मेवा की कुछ पीठे बनाए, कुछ बनाए किराने की पीठे बनाए, ऐसा परिवार सहित लेके हमारे इसमें हमने बहुत सारी मदद तरीके से की, जिसका सुकून हमें भी है और लोग आज कमाते खाते अभी अब कहीं जाके थोड़ा ठीक है, जिसमें हमारा सहयोग काफ़ी रहा है और हम करेंगे, और उससे हमें एक सुकून मिलता है, और ऐसे कई लॉकडाउन आएंगे, कोई मुसीबत आएंगी तो भी हम करते। आज भी हमारे घर से कोई भी अगर भी साझा हो रही है, जैसा भी गरीबी की साझा आज भी हो रही है, जिसकी शादी के लिए कुछ नहीं है, कारण नहीं है, अनाज नहीं है, किराना नहीं है, सामान नहीं है, तो लिस्ट ला के दे देते हमारे पास, तो उनकी शादी ब्याह में जो भी हमसे मदद होती है हम उनकी मदद पैसे से हो तो पैसे से कर देते, किराना लगा तो किराना दे देते, अनाज पानी लगा तो अनाज पानी देते, राशन लगा जो भी उनको लगता है उनसे सलाह विचार करते हैं, लेकिन हम देते वक्त उसकी जानकारी जरूर ले लेते कि ये सही में जरूरतमंद है या नहीं है, नहीं तो ऐसा है कि जरूरतमंद को ना मिले दूसरा लेके चले जाए, इसलिए हम ध्यान रखते हुए ही हम वो सब चीज़ों की मदद करते हैं, और हमारा बड़ा परिवार घर में होने से
भाई लोग भी काफी सहयोग करते हैं, लड़के भी करते हैं, भतीजे भी है, काफी सब लोगों का परिवार खुशहाली से भी चल रहा है। और आप लोगों की, सभी जनता की और हमारे एरिया के नंदनों की एरिया की, एक मेरी दुकान है, मैं 1985 से जुड़ा हूँ, तो नंदनों ने कैसा है बड़ा खुशहाल जैसा मुझे सुकून मिला। अभी 20 साल की उम्र से मुझे आया था नंदनों ने, सभी जो जब दुकानें कारोबार लगाया, फिर असलबाग में जब आया, इनसे जो मोहब्बत जो इतनी मिली मुझे, अब मैं इनको छोड़ नहीं सकता, अब मुझे इनके साथ रहना है और इन लोगों से मिलके जुड़े रहते हुए इनकी जो भी मुझसे मदद होगी मैं करता हूँ। जैसा आज नंदन थाने में कोई मदद की जरूरत पड़ती है, काफ़ी गरीबों को परेशान किया जाता है, तो मैं जब जाता हूँ तो उनकी समस्या हल करता हूँ। सर, लॉकडाउन के दौरान एडवोकेट हमारे अभिजीत वंजारी जी है, इन्होंने भी लॉकडाउन के अंदर में फिट बना के काफ़ी एरिया में सहायता किए थे, लेकिन हमारे भी कहने पर उन्होंने इस बस्ती के लिए भी फिट भिजवाए और अपने हाथों से भी फिट का वाटर किए, काफी अच्छा रहा उनका भी इसमें सहयोग लॉकडाउन के दौरान। कितने दिनों से कार्य आप कर रहे हो और कब तक जारी रहेगा? ये 22-5 को लॉकडाउन शुरू हुआ था अपने देश में और उसके बाद से लगातार बंद बंद है सब जगह, नागपुर में भी काफी जगह। सामाजिक कार्यों के साथ साथ आप धार्मिक कार्यक्रमों में भी हमेशा आगे रहते हो, वो चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ऐसा है कि हमारे यहाँ, मैं भी एक वारसी हूँ भाई, एक हमारे यहाँ जश्न वारिसे पाक जो है देवा शरीफ में फरमा है, वारिसे पाक आलमपना हमारे जो वारसे से हम उनसे जुड़े हुए हैं, तो ये हमारे 15-20 सालों से, पहले तो बहुत सालों से, 15-20 सालों से हम जश्न वारिसे पाक की दिन जो होता है 29 सवाल करके हमारे उर्दू में बोलते हैं, जो हमारे जून जुलाई में होता था, एक भव्य बड़ा प्रोग्राम हम लोग करते हैं जिसमें हमारे एक छोटा भाई जो है गुलाम यासीन वारसी है, जो ये धार्मिक प्रोग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा वो संभालता है और उसी भाई की तरफ ये काम दिया हुआ रहता है, तो ये सब परिवार मिलके, सब मित्र परिवार मिलके, दोस्त भाई मिलके इसको एक बड़ा एक प्रोग्राम मनाया जाता है जिसमें सधर्म के सभी लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी रहते हैं और हमारा इसका बहुत ही एक हजारों लोगों का महालंगर का भी प्रोग्राम होता है जिसमें हम सब भाई परिवार के लोग मिलके और दोस्त भाई मिलके ही हमारे नजीक लोग रहते हैं, जिसमें ये प्रोग्राम हम धर्मपुर एरिया के सभी लोगों को धर्म को बुला के एक खाने का भी एक महालंगर का प्रोग्राम करते हैं जिसमें ये बहुत प्रमाण में होता है। इसमें एक महफिल सीमा बोलते हैं हम, कव्वाली का एक प्रोग्राम होता है, तकरीर के लिए भागलपुर बिहार से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं, देवा शरीफ लखनऊ से आते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक उत्सव जैसा एक प्रोग्राम हमारे घर पर हम आयोजित करते हैं जिसमें हमें परमिशन वगैरह ले के सब रहता है। इसमें बहुत एक सुकून मिलता है, सभी डिपार्टमेंट के लोग सभी आते हैं और सभी का सौधर्म बन के बहुत अच्छा प्रोग्राम मनाया जाता है जश्न वारिस पर। ये तो हमारे एक जश्न है, क्योंकि मैं वारसी छूँ तो जश्न का प्रोग्राम तो ये हमारा वारसी परिवार मिलकर होता है जिसमें अभी कई हजारों लोग इससे जुड़े हैं और इसका दरबार जो है लखनऊ के बाद देवा शरीफ करके है, वहाँ ये सरकार का प्रोग्राम होता है, हमारा जाना रहता है। एकदम नागपुर में भी ये होता है जिसके अंदर पूरे विदर्भ के भी लोग आते हैं, पूरे देश के लोग आते हैं, सभी लोग 3 दिन का प्रोग्राम होता है, मनाया जाता है। इसके अलावा भी कैसा है कि जो भी धार्मिक प्रोग्राम है, जैसा अभी आप बोलेंगे कि अब गणपति उत्सव आता है, दुर्गा देवी का आता है, महालक्ष्मी का आता है, तो मैं सभी प्रोग्राम में जाता हूँ, उनके घर जाना, उनके यहाँ पे वहाँ प्रसाद लेना, खाना खाना और एक उत्सव करके बड़ा अच्छा सुकून मिलता है सौधर्म संभव में रहने से और सभी मिलके एक अच्छा लगता है। तो मैं तो कुछ नहीं, मेरे तो सभी मेरे हैं, आप भेदभाव वाली चीज़ें मेरे पास तो होती नहीं और मुझे पता नहीं। और हमारे जो वारिस पाक जो है इनका एक पैगाम है, अभी बोले आप इसको जानकर के ले लो, बोल लेना, ये मिलेगा कि इनका सभी धर्म के लोग थे और आज भी मौजूद है, जिसमें वहाँ के जो लोग है हिंदू समाज के भी ठाकुर है, बनिया है, तो वो भी एक अपने इसमें वारसी लगाते थे, वो हमारे सरकार से बहुत मोहब्बत करते हैं और वहाँ भी किसी से पैसा वैसा लेने का काम नहीं रहता, बिना पैसे से सौधर्म होता है, अनाज पानी खाना पीना सबको मिलता है, रूम मिलेगा वहाँ पे, तो एक सौधर्म एक बहुत अच्छी मिसाल है वारसी की, जिसको एक समझने की ये है, जिसमें आपको होली का एक त्यौहार होता है, जो कि हमारे यहाँ पे होली का जो त्यौहार होता है, तो वो भी होली हमारी हमारे दरबार के पास में हिंदू समाज आता है, बहुत प्रमाण में हजारों की संख्या में आते हैं और वो होली उस आंगन में मनाते हैं,
और होली मना के एक सधर्म की एक मिसाल वहाँ भी कायम है, और वैसे ही कायम हम उसके नक्शे कदम पे चलते हुए हम यहाँ भी उसी भावना से चलते हैं स्वधर्म को लेके कि सभी हमारे भाई हमारे परिवार नागपुर देश के एक अच्छा परिवार लेके चले और सभी हमारे साथ रहते हैं। हमारे बस्ती की भी जितने आप देख रहे हो बस्ती के सभी आजू बाजू सभी लोग हमारे प्रोग्रामों में हमारे जब जश्न वर्ष पर की मीटिंग होती है उसमें भी सब हिंदू मुस्लिम सभी लोग बढ़ चढ़ के साथ देते और जिससे कुछ बनता है ला के दे भी देते हम रख लेते हैं उसको मना नहीं करते। सभी एक अच्छा होता है प्रोग्राम और करना चाहिए सभी ने, और इसी भावना से एक संदेश अच्छा जाता है कि एक हिंदू मुस्लिम की एकता बने रहती है। और हमारे साथ में बहुत से समाज के भी लोग हैं जो भी सभी बेचारे वो भी एजुकेशन के अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं ऑफिसर लोग हैं उनका भी बड़ा मेरे को सहयोग मिलता है, वो भी एक प्रोग्राम में बड़े इससे हिस्सा लेते हैं आते हैं रहते हैं एक सभी धर्म के लोग मुझे तो बड़ा आनंद मिलता है। और हम इसी आनंद के यही सब खुशी के लिए करते हैं और हमारे एक आनंद मिलता है। इसी के साथ आपको स्वधर्म की मुबारकबाद देता हूँ कि इसी नाते से देश में भाईचारा कायम रहे और हमारे महाराष्ट्र में भी कायम रहे नागपुर शहर में कायम रहे और चंद लोगों की किसी भावना को ना दुखाते हुए सबने एकता की मिसाल कायम करना चाहिए यही मैं सबसे गुजारिश करता हूँ। यही हमारा संदेश है और यही हमारी पहचान है कि हमारा हिंदुस्तान हम एक है। सर बहुत अच्छा सामाजिक कार्य आप कर रहे हो, आने वाले समय में आपका राजनीति से रिलेटेड क्या प्लान है? देखिए राजनीति का आपने छेड़े है तो अब राजनीति की बात तो अच्छी है। पार्टी जो आदेश देती है वो काम करना पड़ता है। अब कैसा है कि कांग्रेस ने अभी मुझे कहा कि टिकट मिलती है तो मैं कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा और उसमें मुझे एक आनंद मिलता है कि गरीबों की सेवा होगी एक ताकत मिलेगी मुझे मजबूती मिलेगी। और ये तो आपने जो बोले थे बहुत अच्छी बात है कि और भी मुझे मजबूती से काम करने की काफ़ी अच्छा लगेगा मुझे। अब वो उसमें कैसा है कि हमारे कांग्रेस अभी शहर का महासचिव हूँ इस नाते से काम करता हूँ और अगर भी पार्टी मुझे आगे भी मौका देगी और मुझे कांग्रेस की उम्मीदवारी मिलेगी तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा और काफ़ी मुझे सहयोग मिलता है जिसमें हमारे लोगों का भी होता है कांग्रेस कमेटी का भी होता है हमारे मुख्यमंत्री साहब भी सपोर्ट में रहते हैं अमित ठाकरे जी भी सपोर्ट में हैं नाना भाऊ पटोले भी जब भी उनसे बातचीत करता हूँ तो भी काफ़ी अच्छे सपोर्ट है हमारे अभिजीत वंजारी जो है इनका भी हमें मार्गदर्शन सभी लोगों का मिलता रहता है और बीच बीच में जब भी कोई बात है सोचते रहती है इससे एक बड़ा सुकून मिलता है मित्र परिवार और हमारे ये कांग्रेस का जो परिवार है हमारा कि हम एक तो काफ़ी अच्छे तंत्र से चला पाते हैं और आगे भी मुझे अगर इस चीज़ के लिए मौका मिलेगा तो मैं उम्मीदवारी देंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा और काफ़ी दिली इच्छा है मेरी भी कि एक सामाजिक काम जो मैं करता हूँ उसके ताकत मिले मुझे और ताकत मिलके मुझे करने की अच्छी प्रेरणा मिलेगी। और जब पार्टी का वजन एक नगर से होता है एक गरीब करता है मदद करने में काफ़ी अच्छा लगता है। अभी ताकत कम होती है अभी हर चीज़ दौड़ना पड़ता है अगर वो ताकत पार्टी देगी और मैं आ सकता हूँ मुझे तो पूरी उम्मीद है क्योंकि मुझे क्षेत्र के नंदनों का सभी लोगों का नसनबाग का काफ़ी लोगों का मुझे यह है लेकिन आप पार्टी मुझे अगर इच्छुक समझते हुए अगर उम्मीदवारी देंगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और जीतते आने की पूरी मुझे आशा है और मैं काम करता रहूंगा। सर लोगों की मदद करते करते आपने अपने ज़िंदगी में काफ़ी अच्छे मुकाम हासिल किए आप इतने अच्छे सक्सेस का क्रेडिट किसको देना चाहोगे? इसकी क्रेडिट तो मैं तो सबके पहले अपने परिवार को दूंगा इसलिए कि मेरा परिवार हर समय मेरे साथ रहता है और परिवार में लड़के हैं भाई हैं परिवार है भतीजे हैं ये मुझे एक ताकत जैसी हर समय मदद करते हैं और मेरे साथ हर एक आवाज पे काम करते हैं जो भी मैं कहता हूँ अच्छे बुरा जो भी चीज़ें होती है एक दौड़ के काम करते हैं तो इससे क्या मुझे मेरे को भी करने की ताकत मिलती है
तो मेरे परिवार का काफी सपोर्ट है। एक मित्र परिवार जो है मेरा सामाजिक संगठन काम चलता है, इसमें सब एजुकेशन पढ़े लिखे काफी लोग है, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई ऑफिसर है, कोई वकील है, कोई बिजनेसमैन है, तो ये सब लोगों का कोई लेक्चर है और कोई एजुकेशन में पढ़ाई करते थे, जैसे सब लोग एजुकेशन में ऑफिसर थे। ये सब एक ऑफिसरों का भी एक मेरे को संगठन होने से इसका भी एक मुझे बहुत बड़ी ताकत जैसी मुझे एक मजबूती मिली। इससे एक मेरी परिवार हो गया, मेरा मित्र परिवार का जो साथी लोग है मेरे, ये एक मेरे को एक गुणाने साहब है। ऐसे एक काफ़ी लोग मेरे मित्र परिवार के लोग जो थे, ऐसे सभी लोगों की ताकत जैसी मुझे मदद मिली। और मैं चाहूँगा कि अभी जो दौर में आज जो लॉकडाउन चल रहा था, इस वजह से जो तकलीफ गई है बहुत लोगों, और एक नए लड़कों ने अभी एक ताकत बना के एक उनको मैं हर समय कहता हूँ कि भाई कुछ बनो, कुछ करो और एक अच्छे राह पे चलो। एक उनको मैं आपके माध्यम से भी ये संदेशा देना चाहूँगा कि एक अच्छा ही राह पे पकड़ते हुए चलोगे तो मंजिल तुम्हारी हर चीज आसान होगी। तो जिस भी लड़कों को आज इस एरिया में इतने सालों से हूँ, तो एक भी कोई ऐसा एरिया का आज तक तो मुझे ऊंची आवाज में बात भी नहीं किया, अदब से बात करते, इज्जत करते हैं। जो भी उनको मैं मार्गदर्शन इनको लगता है उनको देता हूँ, नौजवान लड़कों को भी देता हूँ तो लेने आते हैं, जिसमें काफ़ी महिलाएं भी आती है, लड़के भी आज जॉब के लिए भी आती है कि भैया मुझे कोई जॉब लगा कर लो, तो मैं कहता हूँ भैया प्लस सब्र करो, हो जाएगा। जहाँ भी मुझे ऐसी जगह मिलेगी मैं आपके लिए लगाने की पूरी कोशिश करूँगा। और उनको भी जब भी जब मेरी मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ती है वो आते हैं मेरे पास, और मेरे पास जब आते हैं तो उनको मैं बुझा के अच्छा समझाता हूँ, मार्ग देता हूँ। पेड़ जी परिवार भी आती है, माँ बहने हमारी यूपी है अच्छी तरीके से आती है, और उनको मैं समझा के बैठ के पूरी बताता हूँ, और उनको एक मेरे से ताकत मिलती है और उनसे मेरे को ताकत मिलती है। ऐसे मिलजुल के हम ताकत एक अच्छी बनाएं, यही मैं समाज के लिए और अपने सभी समाज संभव के लिए जो कहते हैं, क्योंकि मेरा तो कोई समाज नहीं है, मैं सभी समाज का एक मैं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भैया एक समाज है वो समाज का है, मैं तो सभी समाज का हूँ और सभी को साथ लेके चलना ही मेरा उद्देश्य है। और मुझे आपकी ताकत मिले और हमारे मार्गदर्शन कांग्रेस पार्टी के भी जो लोग हैं मुझे देते हैं, अभी मुत्तेमार साहब का भी फोन आया तो उन्होंने भी कहा कि भाई जरा मिलने को था, लॉकडाउन से क्या हुआ बोले, अपने भाई परिवार को लेके आओ बोले, अपन बैठेंगे बातचीत करेंगे चर्चा करेंगे। ऐसे मुझे विकास भाव से भी काफ़ी हिम्मत मिलती है, और हमारे नाना भाव पटेल ने भी काफ़ी मुझे लॉकडाउन के समय उनको जब मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने भी मुझे बहुत हौसला अफजाई किए, कलेक्टर साहब से मिलने का है घर मिल के आया। ऐसी सभी मुझे नागपुर के हमारे जो नेता अभिजय पंचारी भी है, हमारे उमाकांत जी भी है और हमारे अतुल हुडे जी भी है, और जो भी पार्टी के सभी लोगों को मुझे तो बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, कार्यकर्ता से लेके भी छोटे से लेके ऊपर तक, तो मैं एक खुशहाल जैसा एक जिंदगी जी रहा हूँ और मुझे बहुत ही आनंद मिलता है और खुशी मिलती है, और इसी की ताकत लेके मजबूती से मैं आगे चल रहा हूँ और चलता रहूँगा। यही मेरा संदेश और यही मेरा पैगाम है आपको। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप अपना कीमती समय देके हमारे चैनल पे आए, हमारे प्रेक्षकों को गाइड किया, इसी कारण हमारे तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपके फ्यूचर लाइफ के लिए शुभेच्छा देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आए, आपके चैनल को हमारी सब कामना है और आपका चैनल काफी अच्छा चले, और आप इसके लिए सच्ची आवाज के साथ आप चलेंगे तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सभी को नमस्कार, सलाम अलैकुम। दोस्तों, ये थे शेख मुजीब भाई वारसी साहब, ऐसे समाज सेवक जो सर्वधर्म समभाव से हमेशा ही लोगों की मदद करते रहते हैं। ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।